हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कोडो ब्लॉग। आज हम बनाएंगे इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज वाला क्लोन, जो कि ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखो, ये हम अब ऐसा ही क्लोन बनाने वाले हैं। ये पूरा का पूरा अब हम बनाने को स्टार्ट करते, जो कि इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज का डेमो। तो चलो, वी स्टार्ट विद द बेसिक एचटीएमएल हेड एंड बॉडी टैग। हेड टैग में हम पहले तो मैंने ये दो फाइल लिए, एक instaclone.css और एक instaclone.js। हम पहले इसे हेड टैग में अपने एचटीएमएल फाइल से लिंक कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट src instaclone.js, सिमिलरली लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href और हमारे फाइल का नाम, जो कि है insta_clone.css। उसके साथ साथ हम यहाँ पे यूज करने वाले एक फॉन्ट एवेसम का लिंक, और ये दे देते हैं अपना टाइटल इंस्टाग्राम हेड के बाद बॉडी टैग में एक हम लोडिंग एनिमेशन देते हैं, जो कि ऑन लोड होते से ही हमारा एक माय फंक्शन नेम का फंक्शन रन होगा। स्टाइल मार्जिन 0, उसमें अब हम एक डिवीजन टैग में एक लोडर देते हैं, उस लोडर में एक इंस्टाग्राम का लोगो देते हैं, जो कि फै इंस्टाग्राम मतलब ये इस लिंक से यहाँ पे आ रहा है। अब ये ऑनलोड, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, बॉडी को ऑनलोड होते से ही ये माई फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसका अब ये हम माई फंक्शन अपने जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं वेयर माई वेयर फंक्शन और अपने फंक्शन का नाम, जो कि है माय फंक्शन माय वेयर इक्वल टू सेट टाइम आउट शो पेज, और उसको टाइम देते हैं 3 सेकंड का। अब जो हमने यहाँ पे शो पेज लिंक किया है, अब वो उसका शो पेज का फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन शो पेज। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने जो आईडी दी है वो यहाँ पे लिंक करते हैं। हमारी आईडी है लोडर, इसका मतलब यह है कि हमारे लोडर में जो इंस्टाग्राम का लोगो है, तो हमारा पेज रन होते से ही हमें दिखने लगेगा। आईडी लोडर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नॉन। अब ये जो फा इंस्टाग्राम है, हम इसको अलाइनमेंट देते हैं कि ये हमारे जो लोगो है वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा या बीच में आएगा, हमें बीच में चाहिए। तो उसके लिए हम CSS लिखते हैं। हम उसके लिए हम इसके अंदर क्लास को टारगेट करते हैं, जो कि है फा इंस्टाग्राम। उसका अब हम CSS लिखेंगे। देखो, फा इंस्टाग्राम, उसकी फॉन्ट साइज 70, उसका कलर ग्रे, उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 40%, विड्थ 100%, लेफ्ट 43%। इसका मतलब है, देखो अब मैं इसे रन करता हूँ, इसका मतलब है एक 3 सेकंड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली गायब हो रहा है,
जैसे कि हमने यहाँ पे कोड लिखा कि हमारा जो ये लोडर है वो उस इस फंक्शन में बिलोंग करता है। बॉडी को ऑनलोड होते से ही कि माई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारे माई फंक्शन में क्या है, तो माई फंक्शन में है कि शो पेज का टाइम आउट 3000 मतलब 3 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली उसका डिस्प्ले नॉन हो जाना चाहिए। अब किसका डिस्प्ले, हमारे लोडर का। वो हमारा लोडर क्या है, हमारा लोडर है इंस्टाग्राम का लोगो। चलो अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हम चलो अब नेक्स्ट पार्ट में हम बनाते हैं ये जो हमारा ग्रिड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट बनाना अब हम शुरू करते हैं। उसके लिए ड्यू आईडी, आईडी का नेम माई ड्यू, यू कैन गिव एनी नेम टू योर क्लास एंड आईडी बट इट शुड बी यूनिक एनिमेट बॉटम। बस इतना ध्यान में रखो कि हमारे जो क्लास के नाम है वो समझ में आने चाहिए। उसके अंदर अब हम एक ड्यू लिखते हैं, उसका जो क्लास है वो होगा कंटेनर, और अब सारा का सारा कोड हम इस ड्यू के अंदर लिखेंगे। तो देखो अब इसमें हम अलग अलग पार्ट करते हैं, जो कि पहला पार्ट है हेड। अब हेड में हम दो ड्यू देंगे, पहले का क्लास नेम txt, उसके अंदर हम लिखेंगे इंस्टाग्राम और एक बी के बाद हम देंगे एक ब्रेक टैग, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लाइन में आएगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जो कि हम लिखेंगे स्पैन टैग में। फाइंड इट फॉर फ्री ऑन गूगल प्ले, ये हमारा एक ड्यू हो गया कंप्लीट। अब दूसरे ड्यू का क्लास है बट, जो कि हमारा बटन है। उस बटन का नाम है गेट। देखते हैं क्या ये सही में आ रहा है। देखो ये जो इंस्टाग्राम हमारा पहला ड्यू जिसका क्लास है txt, और ये गेट बटन जिसका क्लास है बट। बट हमें देखो हमारा गेट बटन यहाँ पे आ रहा है, हमें उसको अलाइनमेंट देना है और लाना है इस जगह पर। वैसे ही इसको भी थोड़ा css देना है और इसको ग्रिड में डिवाइड करना, तो कैसे करते हैं? चलो उसको हम अब css देते हैं। हमारा क्लास है हेड txt बट। देखो हेड टैग, हेड टैग में क्या है, हेड टैग में हमने जो डिस्प्ले दिया है वो है ग्रिड टाइप का, और उसको टेम्पलेट कॉलम में डिवाइड किया है 80/20, मतलब 80% पिंक कलर 20% ऑरेंज कलर। उसको हमने लीनियर ग्रेडियंट में 80/20 में डिवाइड किया है, जो कि हमारा ग्रेडियंट दिखेगा। उसकी हाइट है 55 px। देखो ये जो ग्रिड है ये 80% पिंक है 20% ऑरेंज है, साथ के साथ मैंने इसकी हाइट दी है 55, जो कि है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है 55 px। अब ये जो टेक्स्ट पैन है इसकी फॉन्ट साइज है 12 px। ये जो टेक्स्ट पैन है हमारा फाइंड इट फॉर गूगल प्ले ये है 12 px, और ये जो पी है, पी मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको अलाइनमेंट दिया है हमने लेफ्ट, जो कि लेफ्ट साइड में है, उसका कलर है वाइट। उसकी मार्जिन लेफ्ट 12 और मार्जिन टॉप 10। अब ये मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप क्या है, देखो यहाँ से यहाँ जब जहाँ से शुरू हुआ
यहाँ ये जो गैप है ये शुरू से लेके इस हमारे हेडिंग तक, ये जो गैप है ये है मार्जिन लेफ्ट, ये है 12px जो कि हमने 12px दी है, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मार्जिन टॉप, ये है 10px। इसका मतलब है हमें पेज के बॉर्डर से इतना डिस्टेंस चाहिए हम दे सकते हैं मार्जिन से, हमें मार्जिन मार्जिन लेफ्ट से डिस्टेंस दिया है और मार्जिन टॉप से दिया है, ये है 12px और ये है 10px, तो ये है मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट। हम इसे देखो ये आ गया। अब वैसे ही हम इस गेट बटन को CSS देते हैं। देखो अब जो ये बटन है उसका पोजीशन हमने एब्सोल्यूट दिया है, उसकी मार्जिन टॉप 10px, मार्जिन टॉप मतलब हमें ऊपर से हमारे हमारा जो आइटम है वहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो हमें 10px सेल चाहिए, मार्जिन बॉटम 10px मतलब बॉटम से भी 10 चाहिए, टॉप से भी 10 चाहिए, बॉटम से भी 10 चाहिए और राइट से भी 10 चाहिए। उसका बॉर्डर है 2px की सॉलिड और कलर है वाइट। मैं इसे अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ आ गया हमारा बटन, यहाँ से लेकर यहाँ से 10 10px 10px 10px, ये हमारा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम। अब ये बॉर्डर रेडियस क्या है, बॉर्डर रेडियस जो हमने 5 पिक्सल दिए ये क्या है, ये जो आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा है ये छोटा सा कर्व, ये है हमारे हमारा बॉर्डर रेडियस जो कि हमने 5 पिक्सल दिया है। अब जबकि देखो मैं यहाँ पे अगर 20 कर दूँ और इसे रिफ्रेश करूँ, देखो आप देख सकते हैं कि एक कर्व जो आ रहा है ये अब और ज्यादा बढ़ गया, तो बॉर्डर रेडियस का मतलब आप समझ ही गए होंगे। मैं वापस से इसे 5 कर देता हूँ। चलो अब हम बनाते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है, इंग्लिश और हमारा इंस्टाग्राम का टाइटल। तो चलो अब हम लोगो बनाते हैं, डिव, और ये है हमारी इमेज, इमेज SRC। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम का इमेज जो कि PNG टाइप है, आप डिस्क्रिप्शन से इसे उठा लेना। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि ये सच में आ रहा है या नहीं। देखो ये इतना बड़ा आ रहा है जो कि बहुत बड़ा है। अब हम इसे अलाइनमेंट देते हैं अपने CSS से, हमारे उसका क्लास है लोगो, उसके लिए हमें कुछ नहीं सिर्फ उसकी विड्थ और हाइट देनी पड़ती। हम उसका विड्थ देते हैं और देखते हैं रिफ्रेश करके, देखो ये हमारा आ गया। उसके बाद है हमारा फेसबुक बटन, तो चलो उसको भी बना लेते हैं, डिव क्लास, और इसमें हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं कंटिन्यू विथ फेसबुक। चलो अब हम इसे भी क्लास देते, हमारे क्लास का नाम है फेसबी। देखो हमारा फेसबुक बटन जिसका बॉर्डर रेडियस है 4px, मार्जिन है 5px, उसकी विड्थ है 65% और बैकग्राउंड कलर है ब्लू। हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखो हमारा ये बटन यहाँ पे आ गया। अब आप बोलेंगे लेफ्ट साइड में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसे अलाइनमेंट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड में ही आएगा। हम सारा कंटेंट होने के बाद हम उसको सेंटर अलाइनमेंट करने वाले हैं, उसके बाद हम देंगे जो कि हमारा फास्ट पा फेसबुक स्क्वायर है उसको अच्छा अलाइनमेंट देते हैं, उसकी मार्जिन है 5px और फॉन्ट साइज है 18px। अब ये और अच्छा दिखेगा, देखो इसकी इसकी विड्थ हाइट थोड़ी बढ़ गई है, अब ये थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट।
अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ड्यू। क्लास कॉन्ट, उसके अंदर पी टैग, पैराग्राफ टैग और उसमें टेक्स्ट है। और इस कॉन्ट को भी हम अब क्लास देते हैं। कॉन्ट को क्लास में सिर्फ हम उसको सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, उसका टेक्स्ट अलाइन है सेंटर। चलो रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो ये आ गया हमारा। और उसके बाद हमारा इनपुट, दो हमने जो दो इनपुट बॉक्सेस यूज किए हैं, ये हमारे फोन नंबर यूजर नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। एक डिव लेते हैं, उसका क्लास इनपुट, उसके अंदर देते हैं हमारा इनपुट टैग। इनपुट प्लेस होल्डर, फोन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड, हमारा इनपुट टैग कंप्लीट। सिमिलरली हम यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी देते हैं डिव क्लास इनपुट, सेम क्लास, क्योंकि हम दोनों को सेम प्रॉपर्टी देने वाले, सेम अलाइनमेंट देने वाले, तो दो दो क्लास, दो अलग अलग क्लास देके अलग अलग सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं, एक ही क्लास दो और वो दोनों ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो चलो अब देखो, बिना सीएसएस के मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखो ये हमारे दो इनपुट बॉक्सेस आ गए, एक फोन नंबर के लिए और एक पासवर्ड के लिए। अब हमें इसे ऐसे बनाना है। प्लेस होल्डर का मतलब आप समझ ही गएंगे। प्लेस होल्डर का मतलब देखो, इनपुट बॉक्स में जो नॉन इरेजेबल वर्ड जो दिख रहा है वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मैंने इनपुट का सीएसएस लिख दिया, उसकी विड्थ दी है 61%, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज 12, हाइट 21, बैकग्राउंड कलर व्हाइट, बॉर्डर भी व्हाइट और उसकी बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल। देखो अब मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो हाँ, ये अपना दोन हमें जैसे चाहिए था वैसे आ गया। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। पासवर्ड के बाद फॉरगेट पासवर्ड, उसका ड्यू क्लास फॉरगॉट अंडरस्कोर पी, जो कि हमारा क्लास नेम है। वहां पे एक बटन और बटन का नाम है फॉरगेट पासवर्ड। चलो इसे सीएसएस देते हमारे किस क्लास को, फॉरगेट पी क्लास को। सीएसएस देने से पहले हमें सोचना चाहिए। अब क्या सोचना चाहिए, देखो हमारा जो क्लास है फॉरगेट पी, हमें वो कहाँ पे चाहिए, हमें ये यहाँ पे चाहिए जिसका अलाइनमेंट लेफ्ट हो, जिसका कलर ब्लू आ रहा है, उसका साइज, उसका फॉन्ट, उसको ऊपर से कितने जगह छोड़नी है, उसको नीचे से कितने जगह छोड़नी है, उसको राइट में कितना डिस्टेंस चाहिए, लेफ्ट में कितना डिस्टेंस चाहिए, ये सारी बातों का हमें ध्यान रख के उसको सीएसएस देना पड़ता। तो ये है मेरा फॉरगेट पी बटन के लिए सीएसएस। देखो उसका कलर ब्लू, उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट, उसको उसका टेक्स्ट अलाइन राइट, जो कि हम मुझे राइट साइड में चाहिए था, उसका मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल और उसका विड्थ 66%। देखो जो जैसा मुझे चाहिए था वो वैसे ही आ गया है। उसके बाद का हमारा पार्ट है ये लॉगिन बटन। चलो हम उसे भी बना लेते हैं। डिव क्लास लॉगिन, उसके नीचे हमें देना है एक वर्ड जो कि है साइन अप और डोंट हैव एन अकाउंट, वो भी हम दे देते हैं। डिव क्लास, क्लास का नेम है साइन अप, और बटन में स्पैन टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं
डोंट हैव एन अकाउंट। स्पैन टैग के बाद बोल्ड में साइन अप हियर। तो ये हो गया हमारा साइन अप और लॉग इन का। इसे भी हम क्लास देने वाले हैं। तो सोचो अब हमें ये कैसे चाहिए। देखो लॉग इन बटन तो हमने फेसबुक बटन बनाए है, हमें ये ऐसा ही चाहिए। लॉग इन बटन तो इजी है, हमें ये डोंट हैव एन अकाउंट और साइन अप सेंटर में चाहिए। उसके साथ साथ ये साइन अप जो है वो हमें ब्लू में चाहिए। ये हो गया हमारा लॉग इन बटन, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू, उसका कलर वाइट, जो कि उस टेक्स्ट का कलर है वो वाइट और बैकग्राउंड का कलर ब्लू। उसकी विड्थ 66%, पैडिंग 10px, मार्जिन बॉटम 10px और उसका बॉर्डर रेडियस 4px। ये आ गया हमारा लॉग इन बटन का। और अब हम देंगे साइन अप के लिए। यह है साइन अप बटन के लिए, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट, उसका कलर ब्लैक, उसको बॉर्डर भी नॉन और उसका आउटलाइन भी नॉन। बट हमें जो साइन अप हियर जो नेम है वो ब्लू में चाहिए, तो हमें उसको अलग से टारगेट करना पड़ेगा। मैंने अभी जो क्लास दिया है साइन अप, जो कि साइन अप क्लास का बटन है, साइन अप क्लास का बटन। बट हमें ये जो साइन अप हियर है ये अलग से टारगेट करना है, हमें सिर्फ इसको ही CSS देना है। तो मुझे ये बी टैग को, मुझे साइन अप के बी को टारगेट करना पड़ेगा। तो चलो वो करते हैं। उसका कलर मैंने दिया है ब्लू। तो चलो मैं अब इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखो मुझे जैसे चाहिए था वैसे का वैसे ये आ गया। अब सिर्फ थोड़ा सा कंटेंट बचा है जो है बॉटम का, सबसे बॉटम वाला, उसका ड्यू क्लास, क्लास नेम बॉटम, चलो ये बॉटम को टारगेट करके उसका CSS लिखते हैं। उसका पोजिशन रिलेटिव, उसका बॉटम -130px, उसका लेफ्ट 0 और राइट 0। ये आ गया हमारा फ्रॉम फेसबुक। अब हम इसे, इस सब एटम को अच्छे से अलाइनमेंट करते हैं। उसको अलाइनमेंट करने के लिए मैंने जो मेन क्लास दिया है वो है कंटेनर। ये सारा का सारा कंटेंट इस कंटेनर क्लास में है। तो अब हम इसे CSS देते हैं अच्छे से। डॉट कंटेनर, उसका डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो और ग्रिड टेम्पलेट रोज ऑटो। देखो यहाँ से डिस्टेंस अपने आप बढ़ गया। अब उसके माई ड्यू को टारगेट करते हैं, जो कि हमारा कंटेनर से, कंटेनर का भी पैरेंट टैग है, उसका आईडी है माई ड्यू। तो हैशटैग माई ड्यू, मैंने हैशटैग क्यों दिया और डॉट क्यों दिया। तो जब हम क्लास को टारगेट करते हैं तो हमें डॉट देना पड़ता है, और जब आईडी को टारगेट करते हैं तब हमें हैशटैग देना पड़ता है। देखो ये जो कंटेनर है ये है क्लास, इसलिए मैंने डॉट कंटेनर लिखा, और ये जो माईड्यू है ये है आईडी, इसलिए मैंने हैशटैग लिखा। प्लेन ऑन और इसका अलाइनमेंट सेंटर, इसके सारे टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है हमने वो सेंटर दिया है। अब देखते हैं। देखो ये सारा का सारा आ गया सेंटर में, हमें जैसे चाहिए था ये वैसे ही आ गया है। अब हम इस सारे कंटेंट को एक एनिमेशन देंगे, जो कि हमारा एनिमेशन जो बॉटम से आने वाला है। देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे होता है। देखो गौर से देखो, ये लोगो जाने के बाद हमारा कंटेंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि 1 सेकंड का ड्यूरेशन में नीचे से ऊपर की तरफ हमारा ये कंटेंट आ गया। फिर से देखो, देखो ये लोगो जाने के बाद देखो आ गया। तो ये है एनिमेशन कंटेंट। उसके लिए ये जो एनिमेट बॉटम क्लास दिया है मैं उसको टारगेट करता हूँ। ये सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर है,
तो ये सारे कंटेंट को एक एनिमेशन प्रोवाइड करता हूँ। देखो डॉट एनिमेट बॉटम जो हमारा क्लास का नेम है, ये हमारा क्लास का नेम है एनिमेट बॉटम। उसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया वेबकिट एनिमेशन नेम एनिमेट बॉटम वेबकिट एनिमेशन ड्यूरेशन 1 सेकंड। मैंने 1 सेकंड का ड्यूरेशन दिया है। एनिमेशन नेम एनिमेट बॉटम, इसका मतलब है मैंने ये जो एनिमेट बॉटम है उसको 1 सेकंड का एनिमेशन दिया है। अब ये एनिमेशन अप्लाई कैसे करते हैं देखो, जो मैंने यहाँ पे एनिमेट बॉटम का एनिमेशन का नेम एनिमेट बॉटम दिया है, अब मैं उसको यहाँ पे टारगेट करता हूँ। एड्रेट वेब किट क्रीफ्रेंस की फ्रेम्स एनिमेट बॉटम, उसको फ्रॉम बॉटम से -100 पिक्सल का ओपेसिटी 0 और बॉटम 0 पिक्सल का ओपेसिटी 1। देखो ये जो वेबकिट की फ्रेम्स है ये अपने एनिमेशन को बिलोंग करता है। हमारा एनिमेशन का ड्यूरेशन 1 सेकंड, उसका नेम एनिमेट बॉटम और ये वेबकिट फ्रेम्स की फ्रेम्स एनिमेट बॉटम। देखो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखा ये उसके साथ साथ ये भी नीचे से आ गया, इसका मतलब इसको भी एनिमेशन अप्लाई हो गया। अब सिर्फ दिक्कत इस बात की है ये हमारा लोगो जो है वो थोड़ी देर से जा रहा है। देखो अब हमारी जो दिक्कत आ रही है वो जो इंस्टाग्राम का लोगो है वो हमारे कंटेंट के पीछे आ रहा है, ये इंस्टाग्राम का लोगो दिक्कत बन रहा है, तो हम इसे हटाते हैं। हमें इसे हटाना नहीं है, सिर्फ ये जो हमारा कंटेंट है इसको थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले नहीं होने देना है, मतलब इसका डिस्प्ले नॉन करना है। क्यों? क्योंकि जो इंस्टाग्राम का लोगो है हमने उसको 3 सेकंड का टाइम दिया है, तो 3 सेकंड वो 3 सेकंड होने के बाद ही गायब होगा। तो चलो उसको देते हैं। हमारे ड्यू आईडी में जो एनिमेशन बॉटम है उसके पहले हमने जो एनिमेशन दिया है, हमारा कंटेंट का एनिमेशन आने से पहले हम उसको उसका डिस्प्ले नॉन कर देते हैं, उसको स्टाइल अप्लाई करके उसका डिस्प्ले नॉन कर देते हैं। उसका मतलब हमारा जो ये एनिमेशन है जो नीचे से ऊपर हमारा कंटेंट आ रहा है उसके पहले हम उसे नॉन कर देते हैं, मतलब उसे नहीं दिखाते। और उसके साथ साथ हमें हमारे माइड्यू को भी डिस्प्ले नॉन, इसका मतलब ये हो गया कि हमने सारा का सारा कंटेंट छुपा दिया है हमारे माइड्यू को भी और ये सारे कंटेंट को भी। क्यों? तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माइड्यू स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक, इसका डिस्प्ले हमने थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि हमने हमारे शो पेज को 3 सेकंड का टाइम दिया है। अब देखो इसको रिफ्रेश करें तो देखो 1 2 3 बराबर 3 सेकंड होने के बाद हमारा कंटेंट जो है वो एनिमेशन के साथ साथ नीचे से ऊपर तक आ रहा है और हमने ये इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज अच्छे से बनाया है। देखो हमारा फॉरगेट पासवर्ड भी अपनी जगह पर है, साइन अप हियर फ्रॉम फेसबुक इंस्टाग्राम, सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह से अपने अपने जगह पर बैठ गई है। देखो अब इसमें और इसमें आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा। तो हमने सक्सेसफुली हमारे इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज का क्लोन बना लिया है। तो बने रहिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियो के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कोडो ब्लॉग। ट्राई इट बाय योर ओन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।